क्या मैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ अगर बीजेपी की सरकार आती है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देती है वो काम करता हूँ। अगर बीजेपी कहेगी कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो क्या कैलाश विजयवर्गीय तैयार है? विचार करूंगा। क्या कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज चौहान के संबंध सही है कि दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी है? तो इसलिए हमारा कॉम्पिटिशन में भी शिवराज जी का कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र हमारे नेता शुरू से प्रदेश के अंदर चल रहा है कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के अंदर दिक्कत जनता नहीं है बट बीजेपी ही दिक्कत है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है क्योंकि जितने रिवन समाज खड़े उससे ज्यादा कांग्रेस के खड़े। कमलनाथ जी कहते हैं कि वो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करती है। माना जी उस वक्त कहा था जब उनकी पार्टी हलफनामा दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक है, रामचरित मानस तो करने आते हैं, हनुमान जी कभी कांग्रेस पूरी चुनावी हिंदू थी, एकदम चुनावी लगभग 160 के आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। कैलाश विजयवर्गीय का आंकड़ा 160 का है मध्य प्रदेश के जी। इस वक्त मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है वो है भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है। इस प्रकार की वीडियो तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी कर लेता है। बीजेपी एक एंटी इनकम्बेंसी वाला जो चुनाव है वो फेस कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। एंटी इनकम्बेंसी होती जब जब लगातार बीजेपी की सरकार होती, बीच में कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उन्हें देख कर चेहरे पर नूर आ गया और वो संजय मरीज का हाल अच्छा आपको देखने के बाद थकान चली गई, सम्मान की चली गई। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जन की बात के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और जिनको मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ने के मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस वक्त जब मैं इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हूं कैलाश जी रात के 1:45 हो रहे हैं और सुबह से लेकर अभी तक आप कैंपेनिंग कर रहे हैं और कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ है। अब आपके सामने जो कंटेस्ट कर रहे हैं इंदौर एक से, उनका कहना यह है कि कैलाश जी इतने पॉपुलर हैं, खुद मध्य प्रदेश के अंदर बच्चा बच्चा उनको जानता है, इंदौर का बच्चा बच्चा उनको जानता है, उसके बावजूद कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक में इतनी कैंपेनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है और उस कैंपेनिंग के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो का मेजर पार्ट जो है कैलाश जी की विधानसभा से जा रहा है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति जो है वो कमजोर है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो क्या सोचते हैं क्या कहते हैं उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करना क्योंकि उनका सोच अभी बहुत छोटा है, अपरिपक्व व्यक्ति का कुछ ज्यादा जवाब दिया जाए इसकी आवश्यकता नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और इंदौर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, बिजनेस कैपिटल ऑफ एमपी है, यहाँ की गतिविधि का असर पूरे सेंट्रल इंडिया में होता है। इसलिए जो रोड शो था किसी विधानसभा के लिए नहीं था, छोटी बुद्धि के लोग सोचते हैं कि एक विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री जी रोड शो करें, पूरे मालवा और निमाड़ के लिए था और इसलिए उनकी सोच और समझ के बाहर की बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि इन सब बातों की जवाब दे दिया है। कैलाश जी इंदौर और कैलाश विजयवर्गीय सिनोनिमस, मतलब एक दूसरे से मैं अगर कहूंगा कि साथ में देखा जाता है। तो कैलाश जी इस वक्त मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है वो है भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है। इस पे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन पे करती है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं और आप इसका किस तरीके से जवाब देंगे? क्या ये बीजेपी के लिए बिफोर 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग एक बहुत बड़ा दिक्कत का वीडियो साबित हो सकता है? देखिए आजकल जिस तरीके से एक तरीके से बहुत ही बनावटी किस्म के इस प्रकार के वीडियो बन जाते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये इसके कारण न घबराने की जरूरत है न प्रश्न उठाने की जरूरत है, जब तक सबूत नहीं है जब तक आप कैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति आरोप। तो इस प्रकार की वीडियो के ऊपर चर्चा करना मेरी समझ तक कोई आवश्यकता है और विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगाता है तो उस आवाज उस आरोप के पीछे गंभीरता तो चाहिए ना।
वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से भूपेश बघेल को फंसाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो जब वहां पे एजेंसी लग सकती तो यहाँ पे क्यों एक्शन कर सकते? कुछ सिर पे हो अगर तो एजेंसी पे काम करे। इस प्रकार की वीडियो तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी कर लेता है, और उसके आधार पर आप किसी को आरोपी, अब केंद्रीय मंत्री का बेटा और 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ की इस प्रकार के आरोप लग रहे, ये तो पानी में लट मारने जैसा है और इसका कोई अर्थ भी नहीं है। इस पर ऐसे प्रश्नों का जवाब देना मैं उचित भी नहीं समझता। कैलाश जी, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा मीडिया के अंदर परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वीक विकेट पे है, और इसके पीछे जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार रही है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री है उनके चेहरे को कहीं ना कहीं पीछे रख रही है, कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतरना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बाकी के नेताओं को मैदान के अंदर उतरना पड़ रहा है, तो क्या बीजेपी एक एंटी इनकम्बेंसी वाला जो चुनाव है वो फेस कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। एंटी इनकम्बेंसी होती जब जब लगातार बीजेपी की सरकार होती, बीच में कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब तो लोग कांग्रेस को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि कमलनाथ जी ने जिस प्रकार पिछली बार प्रदेश की जनता को ठगा है और कांग्रेस के नेताओं ने आकर कहा कि जो घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं उसका पालन किया जाएगा, 15.5-16 महीने कमलनाथ जी की सरकार ने एक भी कोई वादा पूरा नहीं किया, तो कांग्रेस के नियत पर भी शंका है जनता को, नेता पर भी शंका है जनता को, दोनों के प्रति कोई विश्वास नहीं है। इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य होगा ऐसा मैं नहीं मानता। उसके कंपेयर में यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, पर पिपड़ा इनकम बढ़ाई है, किसानों की माली हालत सुधरी है, उनके उत्पादन का उनको सही समय पर उचित मूल्य मिल रहा है, इस कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति लोगों में प्रतिशत है। कैलाश, जब मेरे रिपोर्टर ने कमलनाथ जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी कर रही है, और उनका जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो है वो कुछ नहीं, कांग्रेस का कट कॉपी पेस्ट है, और अगर आप कमलनाथ जी के ट्वीट को देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे ट्वीट में वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है। सो इस आरोप पे आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी पहले गारंटी की बात नहीं करती थी, अब गारंटी शब्द का प्रयोग कर रही है, पहले वो फ्रीबी की बात नहीं करती थी, अब वो लाडली के बाद में और पैसा महिला को देने की बात कर रही है, और कट कॉपी पेस्ट जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या ये आरोप में कुछ दम है आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जितनी भी घोषणाएं की गई वो बिल्कुल भी एक तरीके से अव्यवहारिक, और इसलिए कांग्रेस की घोषणाओं के प्रति लोग गंभीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, अगर हम कुछ भी घोषणा करते तो लोग मान के चलते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करेंगे। यदि अपने चुनाव के अगर घोषणा पत्र देखें तो हमने करीब 95% मांगों को घोषणा पत्र में घोषणा के लिए सारे काम करते हैं, तो हमारे प्रति लोगों की विश्वसनीयता कांग्रेस की बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में मध्य प्रदेश भले ही सर्वे कुछ भी कहें पर अंडरकरंट भारतीय जनता पार्टी का है, और लगभग 160 के आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी की। कैलाश विजयवर्गीय का आंकड़ा 160 का है मध्य प्रदेश के लिए? जी। कैलाश जी, आप उन बहुत कम नेताओं के अंदर में से हैं जिन्होंने बंगाल के अंदर भी काम किया और बंगाल के अंदर भी पार्टी को नथिंग से 77 सीट्स तक पहुंचाया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कैलाश जी कि एक मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के अंदर दिक्कत जनता नहीं है बट बीजेपी दिक्कत है, बीजेपी के कई नेता एज रिबेल्स खड़े हो रहे हैं एंड बीजेपी कैन डिफीट बीजेपी इन मध्य प्रदेश, इस पे कैलाश विजयवर्गीय जिसकी मध्य प्रदेश की नब्ज जो है उनके हाथों पे, वो क्या कहना चाहते हैं कि क्या इतने सारे जो रिबेल्स खड़े हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं अलग अलग सीटों के अंदर, क्या ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है? बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जितने रिबेल्स हमारे खड़े हो उससे ज्यादा कांग्रेस के खड़े हो, इसलिए आज की राजनीति में व्यक्ति थोड़ा शॉर्टकट अपनाता है, पार्टी में आता है उसको टिकट चाहिए, उसको संगठन में काम नहीं करना, इसलिए दोनों ही दल में इस प्रकार की घटनाएं हुई। पर हमारे यहाँ एक विशेषता है कि हमारे यहाँ यदि पार्टी से व्यक्ति गया तो फिर वो कहीं का देने जैसा है, क्योंकि हमारे कैडर, हमारी विचारधारा, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और इसलिए हमारी कैडर पार्टी और हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है, तो हमारी जो मतदाता है, हमारे कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ते व्यक्ति से नहीं। कांग्रेस में एकदम उल्टा है, वहाँ व्यक्ति से ही लोग जुड़ते हैं, इसलिए कांग्रेस से कोई व्यक्ति
एक बाहर जाता है अंदर आता है तो एक ताकत बाहर जाती है और अंदर आती है। कैलाश जी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ और इसको करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं कि पिछली बार जो असेंबली इलेक्शन था उसके अंदर बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा आया था पर सीट्स कम आई थी। आपको लगता है कि कई जो सीट्स जिसपे त्रिकोणीय मुकाबला है उन सीट्स के ऊपर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वोट्स अगर ये इंडिपेंडेंट्स इंपैक्ट कर जाए तो बीजेपी के चांसेस को दिक्कत हो सकती है और बीजेपी जो है वो पीछे आ सकती है और कांग्रेस को फायदा हो सकता है? संभावना उसकी बहुत कम है क्योंकि लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी में दो ही दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बीएसपी एसपी में होने में एक दो तीन तीन सीट के राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश में, उनकी भी भूमिका भी बहुत ज़्यादा है और इसके मध्य प्रदेश में सेट हो गया है कि दो दलीय पार्टी हैं और दोनों दल आपस में लड़ते हैं अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर। मेरा सा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है प्रदेश में भी और देश में भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता की विश्वसनीयता प्रदेश में शिवराज जी के, देश में मोदी जी, इसलिए हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। 19 incumbency है, हम तो पहले से ही चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमने चुनाव की शुरुआत उसी दिन से कर देते हैं जिस दिन से हम सरकार बनाते हैं। एक लंबी एक्सरसाइज हमने की है और हमें विश्वास है कि हम 150 से 160 के बीच में सीटें लाएंगे। कैलाश जी आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और इंदौर के अंदर आपने पितेश्वर हनुमान जी का इतना बड़ी प्रतिमा को स्थापित किया है। कमलनाथ जी कहते हैं कि वो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करती है और वो ये कहते हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेता खुद जो है वो शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बीजेपी सरकार का नाम ले रहे हैं। तो मेरे दो सवाल है, एक कमलनाथ जी जो आज अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं उस पे कैलाश विजयवर्गीय जो हमेशा से हनुमान जी के भक्त रहे वो क्या कहना चाहते हैं, और दूसरा आप लोग के शब्द से अगर इतना बीजेपी ने काम किया तो शिवराज सरकार क्यों नहीं आ रहा है? हर जगह बीजेपी सरकार मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, ऐसा क्यों है? क्या आप सब मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत रही है शिवराज सरकार के साथ? एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हमारा एक एजेंडा रहा डेवलपमेंट, उसी आधार पर काम किया है। ये बात सही है कि हमारे संस्कार संस्कृति उसके संरक्षण के लिए हमने हमेशा काम किया है। यदि राम मंदिर के निर्माण की बात हो तो हमने कहा कि हाँ रामलला हम आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे, हम चेता नहीं करेंगे तो मंदिर बना गए और ये इसीलिए बना कि मोदी जी देश के प्रधान। यहाँ पर कांग्रेस का सवाल है, कमलनाथ जी का सवाल है। कमलनाथ जी उस वक्त कहा था जब उनकी पार्टी हलफनामा दे रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक है, रामचरित मानस के उपन्यास है, हनुमान जी कभी हुए नहीं, उस समय उन्होंने अपनी पार्टी में विरोध नहीं किया। आज मध्य प्रदेश में अपने आप को हनुमान भक्त बताकर वोट मांगना चाहते हैं, कम से कम वो तो बताई वे हनुमान जी जिनके ऊपर कांग्रेस को विश्वास नहीं था, वे राम जी जिनके ऊपर कांग्रेस का विश्वास नहीं था, उनका ये तो सब कल्पना है। रामचरित मानस उपन्यास है कि कमलनाथ जी जो है वो चुनावी हनुमान भक्त है। कांग्रेस पूरी चुनावी हिंदू है, एक खुद चुनावी हिंदू है, कहीं पर भी उनके नेता जरूर बैठ लेते कहीं पर भी वो टोपी लगा लेते हैं तो उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं, वो तो पूरी पार्टी ऐसी। कैलाश जी मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ और ये बहुत जगह मैं अखबारों के अंदर यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और ये मैं पढ़ता रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी, क्या कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज चौहान के संबंध सही है कि दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं? नहीं नहीं हम तो बचपन से साथ हैं, साथ में विद्यार्थी परिषद से काम कर रखे हैं। मैं इंदौर का विद्यार्थी परिषद का महामंत्री था, वो भोपाल के महामंत्री थे, सबसे हमारी मित्रता और अच्छी मित्रता है और इसलिए हमारा वो कॉम्पिटिशन में भी शिवराज जी का कार्यक्षेत्र अलग है, मेरा कार्यक्षेत्र अलग है, वो हमारे नेता है शुरू से, इसलिए मेरे तो उनसे बिल्कुल भी कोई ऐसी आप जो सोच रहे हैं मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ का मीडिया ऐसा सोचता है। टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू कैलाश जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय मेरे दोस्त हैं
तो आपने अपने दोस्त से आखिरी बार कब बात की थी और मध्य प्रदेश चुनाव के संबंध में क्या बात करी थी? नहीं, होती रहती बात। तो देखिए ऐसा है कि चूंकि मध्य प्रदेश देख रहा है तो मध्य प्रदेश के बारे में पूछते रहते हैं। और एक बात थी कि उनके ऐसा रणनीतिक आज कोई भी नहीं, क्योंकि आपने बंगाल में भी उनके साथ काम किया था, तो उनके रणनीति के कारण मध्य प्रदेश की सरकार हमारी बन गई और कांग्रेस धराशायी हो गई। क्या मैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ अगर बीजेपी की सरकार आती है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो राजेश जी की काम करता हूँ। तो अगर बीजेपी कहेगी कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो क्या कैलाश विजयवर्गीय तैयार है? विचार करूंगा, चर्चा करूंगा उसके बाद। मेरा आखिरी सवाल आपसे कैलाश जी, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, मैंने बंगाल में भी बहुत क्लोजली आपको देखा था, इतनी एनर्जी आप कहां से लेके आते हैं? शेर है बहुत पुराने के लिए, उन्हें देखकर चेहरे पर नूर आ गया और वो समझे मरीज का हाल अच्छा। तो आपको देखने के बाद थकान चली गई ऐसा मान के चलिए। दोस्तों मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जिनके कहते हैं कि जिनके हाथों पे मध्य प्रदेश की नब्ज है, अब देखना ये होगा कि आने वाले 48 घंटे के अंदर क्या मध्य प्रदेश कैलाश जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे पाती है। मेरे साथ कैलाश जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद मंडारी, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।